नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही सक्रियता के साथ तमाम विषयों पर अपनी कलम चलाने वाली और बहुत ही एक अपनी मेहनत परिश्रम के बूते आपने राष्ट्रीय स्तर पर एक लेखिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, मोनिका अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं मोनिका अग्रवाल जी आपका। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप और क्या क्या गतिविधियां आपकी इन दिनों रही हैं, खासतौर से कोरोना के दौर में, जबकि पत्र पत्रिकाएं तो भौतिक रूप से नहीं आ पा रही हैं, लोग इंटरनेट पर ही उनके संस्करण पढ़ पा रहे हैं, आपका लिखना पढ़ना कैसे चल रहा है? जी, मैं ठीक हूँ। मेरा लिखना पढ़ना इस टाइम काफी रहा और मैं विभिन्न डिजिटल के लिए लिखती रही हूँ और साथ में एक किताब पे काम कर रही हूँ आजकल। कहानियों का संग्रह मेरा जल्दी प्रकाशित होने वाला है। तो ये जो लेखन का क्षेत्र है, थोड़ा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से इस ओर आपकी अभिरुचि जगी और किस तरह से पढ़ाई लिखाई हुई लेखन की ओर किस तरह से आपका रुझान हुआ? जी, मेरी अभी कुछ वर्षों से मैंने लिखना शुरू करा है। मेरी मम्मी लिखती थी किताबों के लिए, पत्रिकाओं के लिए छोटे छोटे कॉलम, उनसे प्रेरित होकर मैंने अपना ये लेखन का सफर शुरू किया है। यानी कि आपके संस्कार परंपरा परिवार में है ये लेखन? जी बिल्कुल, मेरे नाना जी बहुत बड़े साहित्यकार थे मेरठ के, मेरठ यूनिवर्सिटी से क्योंकि प्रोफेसर थे जी, और उनके काफी संग्रह आए हैं जिन्हें सरकार ने अवार्ड भी दिया है। तो बचपन में कभी आपकी पढ़ाई लिखाई रुझान साहित्य की ओर, लेखन की ओर किस तरह से शुरुआत हुआ इसकी? जी वैसे तो मेरा लेखन तो मम्मी की वजह से शुरू हुआ है, उनको देख देख के मुझे प्रेरणा मिली कि जब वो इस उम्र में भी लिख सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे शुरू से गजलों का शौक था, शेर व शायरी का शौक था। अच्छा। तो काफी गजल्स मैं सुनती थी तो धीरे धीरे इस ओर में बढ़ती चली गई। वैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया है, बिल्कुल अलग फील्ड है वो। लेकिन ये फायदा हुआ वो कि अब तो चूंकि हर कोई लैपटॉप और कंप्यूटर पे ही लेखन का काम हो रहा है, तो कम से कम वो फायदा तो मिला क्योंकि तकनीक से अगर आप अद्यतन हैं और जुड़ी हुई हैं तो हर फील्ड में उससे मदद मिल रही है आजकल। जी बिल्कुल, मदद मिलती है। मैं आजकल एक दो जगह डिजिटल वर्क कर रही हूँ तो मेरा कंप्यूटर ज्ञान उसमें काफी काम आ रहा है। और तमाम विषयों पे आप लिखती हैं, चाहे वो पारिवारिक विषय हो और बच्चों के पालन पोषण के विषय हो, खान पान हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, या भी जो भी समसामयिक चीजें होती हैं, तो इसके लिए अध्ययन किस तरह से करती हैं, समाज को देखने का नजरिया कैसे जागृत होता है, संवेदनाएं कौन कौन सी होती हैं? जी मैं अखबार से जुड़ी हुई हूँ काफी और काफी साहित्यकारों को पढ़ती रहती हूँ जो सोशल इश्यूज उठाते हैं। जैसे शमा शर्मा जी हैं, वह काफी औरतों के लिए लिखती हैं और कहानियां भी निरंतर पढ़ती रहती हूँ तो इसलिए मुझे उससे ज्ञान मिलता है किस तरह से किस दिशा की ओर चलना है और किस तरह से रास्ते बनते गए। आज के वक्त में तो आप तमाम राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं और डिजिटल मोड में भी आप हैं, लेकिन किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको शुरुआत में? जब आदमी कोई चीज शुरू करता है तो पहचान बनने में वक्त लगता है। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरू में तो मेरी कुछ रचनाएं वापस भी आई हैं, लेकिन मुझे पहला मंच मुझे दिल्ली प्रेस ने दिया जी जी, और मेरा वहाँ पे कवर पेज लेख छपा था औरतों के लिए, वो भी गृहिणियों के ऊपर। धीरे धीरे उनकी गाइडलाइन से मैं चलती गई और मैं निरंतर आगे बढ़ती गई। ये समझिए कि तमाम बड़े बड़े जो रचनाकार होते हैं ना, वो अब उसमें नाम क्या जिक्र किया जाए, रचनाएं वापस आना किसी असफलता का द्योतक नहीं है। और थोड़ा बहुत जैसे कभी नजर पड़ी नहीं पड़ी, आदमी ने गौर से पढ़ा नहीं पढ़ा, और एक जो ब्रांडिंग होती है उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, जब वो हो जाता है, मुकाम हासिल हो जाता है, तो फिर वो जो शुरुआती असफलताएं वो पीछे छूट जाती हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपनी रिजेक्शन को अपनी चुनौती के रूप में लिया और उससे आदमी और अच्छा लिखने लगता है, प्रेरणा मिलती है। बस जो पहले मेरी रचनाएं रिजेक्ट हुई थी वो आज प्रकाशित है। वही हमने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि रचना अच्छी बुरी नहीं होती है, बहुत सारी अन्य परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरी अभी पिछले वर्ष एक कहानियों का संग्रह आया था अनुगूंज, उसमें एक कहानी थी बुजुर्ग महिला के जीवन सफर की और मैं नहीं जानती कैसे वो लखनऊ तक पहुंची, क्या हुआ, और वहां से जब रीडर की कॉल आई, वो काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो इतनी तारीफ कर रहे थे कि
पढ़ने के बाद तारीफ करते करते उनका गला भर आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी लिखी हुई कहानी की कीमत वसूल हो गई। ये यानी कि ऐसे ही जो प्रसंग होते हैं ना वो सबसे बड़ा पारितोषिक होते हैं, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो पाठकों के जो विचार आते हैं, श्रोताओं के जो विचार आते हैं आपकी रचनाओं को पढ़ते सुनते हुए, उसी से बहुत बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। जो असल संतोष है, प्रेरणा है, वो इन्हीं प्रतिक्रियाओं में हमें प्राप्त होती है। तो इन दिनों क्या कर रही हैं आप और क्या एक्टिविटीज रही हैं खासतौर से लॉकडाउन के संदर्भ में आपकी? लॉकडाउन के समय में मैं कहानियों पर काम कर रही हूँ और एक बच्चों का भी संग्रह ला रही हूँ अनुशासन के ऊपर, तो उसी पर मेरा पढ़ना और लिखना चल रहा है। और पतझड़ में मधुमास एक बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है कहानियों का संग्रह, उसमें भी मैंने बुजुर्गों को फोकस करके सारी कहानियां लिखी हैं। तो इन चीजों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है इतनी व्यस्तता के बीच भी आपकी, जबकि आप निरंतर काफी लिख रही हैं? जी, समाज से, अपने आसपास की घटनाओं से प्रेरणा मिलती है, उनके दुख दर्द। मैंने देखा कि जो आज अनछुआ पहलू है वो बुजुर्ग है जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो उसी से प्रेरणा मिलते हुए मैंने ये काम करना, उनके ऊपर लिखना शुरू किया है। तो आज के समय में जैसे बहुत ही प्रगतिशील समाज है, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है हर कोई, और आपकी तो जो आलेख होते हैं पारिवारिक और सामाजिक विषयों को लेकर के, तो आज के दौर में हालांकि महिला पुरुष को अब अलग अलग करना कई मायनों में ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी महिलाओं के समक्ष क्या खास चुनौतियां हैं, खासतौर से शहरी और पढ़ी लिखी महिलाओं से अलग हटकर आज भी गांव समाज में जो एक बड़ा महिला वर्ग है, आधी आबादी है, वो तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है? जी बिल्कुल कर रहा है। अभी भी गांव में इतना महिलाओं को ज्ञान नहीं है, अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़ी हो पा रही है, अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रही है वो। मैं चाहती हूँ कि वह भी शहरों की महिलाओं के जैसे अपने अधिकारों को पहचाने। जी, मेरा एक एम है कि हर महिला अपने अधिकार जाने, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। और क्या क्या अभिरुचि है आपकी? कविताएं भी लिखती हैं, क्योंकि कहानी तो हम इस कार्यक्रम में श्रोताओं को नहीं सुनवा सकते आपको। जी, तो मैं कविताएं भी लिखती हूँ, थोड़ा आजकल कहानियों पे ज्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन कविताएं भी लिखी है मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो कोई रचना आप सुनाएंगे जिससे प्रेरणा मिले आपके पाठकों को और हमारे जो श्रोता है? मेरी कविता का शीर्षक है जीवन। क्या कहूँ क्या बोलूँ, पल दो पल जीवन पास, जिस पर न्योछावर दौलत बेहिसाब। क्या पाया क्या पाओगे, क्या साथ ले जाओगे, क्या मिली खुशी, कैसी है ये भेड़ चाल, जो चल रहे हो मिलाकर इससे ताल, लूट लो सादगी का मजा, करो पुराने दिनों को याद। खाते थे दाल रोटी और भात, सब जाते थे स्कूल और खेलते थे खो खो छुपम छुपाई, नौका चलाते थे बारिश में भीग भीग कर जब, बस वही थी जिंदगी, वही था असली जीवन, घर देख ली चिड़िया और घोंसले में बच्चे, तब बाजरे के दानों को लिए माँ से करते थे बार बार मिन्नते, फिर आज क्यों हम दिखावे में रहना चाहते हैं, इस दौड़ से हम क्यों दूर नहीं हो जाते हैं। क्या बात है, और बहुत ही गहरी बात आपने कही कि जीवन का जो असली सुख है, जो संतोष है, वो प्रकृति से निकटता में है, और बाल सुलभ जो सहजता होती है, जो सरलता सादगी होती है, उसके बाद बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए व्यक्ति तमाम पेचीदगी में उलझता जाता है, लेकिन जो सीख है आपकी रचना वो दे रही है। और आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और आपकी रचना हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो मोनिका अग्रवाल जी, विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।